So guys, after a long time I'm back, a small vlog. So guys, welcome to my new vlog. तो आप देख रहे होंगे मैं आज outdoor घूम रहा हूँ, कुछ पेड़ पौधे हरियाली पहाड़ों के बीच में. तो सोची मैं कहाँ पर हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइए. ए अब आ गया मैं बस के अंदर. तो बस के अंदर अभी भी आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि लोगों को देख के या बस को देख के, थोड़ा हिंट भी दे रहा हूँ मैं बीच बीच में. तो आप ये देखिए कौन से स्टेट में हूँ मैं. ये वादियों देख के थोड़ा सा छोटा सा हिंट दिखा आपको, इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं मैं कहाँ पर आया हूँ. ये रहा, अब तो आप समझ ही गए होंगे. चलो उतरो नीम करोली वाले. तो मैं अभी बस से उतरा हूँ बाबा नीम करौली जी के मंदिर के जस्ट सामने. ये यहाँ पे बस स्टॉप है जहाँ पे सब लोग उतरते हैं. और ये आपके सामने जो दिख रहा है ये है मंदिर बाबा नीम करौली जी का. ये मैंने थोड़ा सा जूम किया, ये देखिए थोड़ा सा समझ में आएगा. अभी मुझे पता नहीं है अंदर कैमरा ले जाना अलाउड है या नहीं है. थोड़ा जितना हो सक रहा है मैं आपको यहीं पर दिखा रहा हूँ. ये देखिए लोग सेल्फीज खींचने पर लंबे पड़े हुए हैं. ये देखिए सामने श्री वैष्णो देवी मंदिर है. और ये जो सफ़ेद वाला है, सफ़ेद वाला जो है ये बाबा कैची धाम जो हमारे बाबा नीम करौली जी हैं उनका मंदिर है. हम जस्ट अभी बस में से उतरे हैं और बस में से उतरने के बाद अभी हमने ये दृश्य देखा है. हमने अभी यहाँ से प्रसाद लिया है, कंबल लिया है और अब हम चलते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए. भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है लेकिन अभी इनका जो 15 जून आने वाला है उस पर बहुत विशाल भंडारा होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा भीड़ होती है. तो अभी उसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है कि मैं 15 तारीख से पहले ही आ चुका हूँ. आज 12 तारीख है तो मैं कोशिश करूँगा 15 तारीख तक रुकने की. जैसे माहौल बनता है क्या है, अगर रहा सब कुछ तो मैं रुकूँगा और भंडारे में भी प्रसाद खा कर फिर जाऊँगा. तो ये पीछे कैची धाम बाबा का मंदिर है, अब चलते हैं दर्शन के लिए. जय राधा. सो गाइज, स्पेशली मुंबई से कैची धाम आना और बाबा नीम करौली जी के दर्शन करना मतलब अद्भुत था. सफल हो गया, ऐसा लगा कि मैंने जीवन में कुछ अच्छे कर्म करे होंगे जो मैं यहाँ पे आया और जो एनर्जी मुझे मिली है, एकदम माइंड सेट जो मेरा पूरा चेंज हो गया है, अद्भुत कमाल मज़ा आ गया. तो बाबा जी के दर्शन करने का जो प्रोसेस है वो ये है कि दुकान से आप प्रसाद ले सकते हैं. और बाबा जी का फेवरेट कंबल था, वो हमेशा कंबल उड़ के रखते थे. और आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो YouTube पे आप सर्च मार सकते हो बाबा नीम करौली जी के बारे में, कैची धाम के बारे में गूगल कर सकते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी. जिनको नहीं पता है वो अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी और आप चौंक जाएंगे कि बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए हैं और उनके जीवन सफल हुए हैं और आप भी आने लगेंगे.
तो मैं कैसे आया, क्यों आया, उसके लिए एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा। और मतलब बहुत ही अद्भुत था और एकदम मिरेकल हुआ था मेरे साथ। तो प्रोसेस ये है, बहुत सारी शॉप्स हैं कैची धाम के बाहर, जो मंदिर है, जो बाबा कैची धाम बाबा का जो मंदिर है, वहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं, वहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं और कंबल ले सकते हैं। कंबल फेवरेट था, तो कंबल और प्रसाद जो है जितना आपको चाहिए उस हिसाब से क्वान्टिटी में आप लेके जा सकते हैं। और बाबा की जो समाधि है वहाँ पे उनका एक बहुत अच्छा अद्भुत जो उनका स्टैचू बना हुआ है, जो फील आएगा, वाइब जो आएगी, वो टच कराने के बाद वापस आपको दिया जाता है और वो एनर्जी आप अपने साथ अपने घर पे लेके जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रुका, मैंने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा और बजरंग बाण पढ़ा और भी बहुत सारी चीज़ें, और राम नाम का पाठ किया कई बार, 108 बार किया और उसका 7 बार किया, 108 टाइम 7 बार किया, तो राम नाम जाप किया। वो जाप करने के बाद और जो वहाँ बैठ के जो एनर्जी मिली है ना, मुझे भी नहीं पता कैसे क्या, एकदम अंदर से मैं क्लीन हो गया, शांत हो गया और आंखों से अपने आप आंसू गिर रहे थे। तो ये था अद्भुत, पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ, जो एक्सपीरियंस मैंने किया है आई लव इट। और अब पहली बार मैं इसलिए आया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, फैमिली को नहीं लेके आ सकता था, मैं बाय ट्रेन आया हूँ। तो मेरा ये था कि पहले मैं जाके आता हूँ, उसके बाद तुम लोगों को लेके जाऊँगा। और वैसे भी बच्ची जो हमारी है ओजल, उसके स्कूल चालू हो गए हैं तो वो स्कूल में बिज़ी है, तो मैं भी फ्री था। शो मैं भी कुछ ऐसा कर नहीं रहा हूँ, जो कर रहा हूँ उसमें डेट्स अवेलेबल थी मेरे पास, तो मैं यहाँ पे आ गया। और मैं कहूँगा कि आप लोग ज़रूर आना यहाँ पे। अब शाम होने वाली है और शाम होने के बाद इवनिंग में फिर से मैं आरती लेने के लिए जाऊँगा। आरती लेने के बाद वहाँ पे खाना मिलता है, बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है, उसके लिए जाऊँगा वहाँ पे। पता नहीं, मुझे नहीं लगता वहाँ पे वीडियो शूट करना या फ़ोटो शूट करना अलाउड होगा, तो मैं आपको वर्बली बता सकता हूँ। तो फिर अगले व्लॉग में मैं जाऊँगा, यहाँ पे एक दो जगह हैं जो बहुत फेमस है, नैनीताल है, नैनीताल जो सिटी है बहुत फेमस है, यहाँ पे गर्मियों में भी मतलब गर्मी नहीं लगेगी, वो वाली वाइब है। और एक जगह है काकड़ी आश्रम, तो वहाँ पे जाना है। और एक जगह और बताई थी उन्होंने, हनुमानगढ़ी, वहाँ भी जाना है। तो अगर वहाँ पे जाऊँगा उन लोग, वो चीज़ों का भी मैं ब्लॉग बनाऊँगा और मैं डालूँगा। सो दोस्तों, कैची धाम में आया हूँ, वो आने का ब्लॉग मेरा यहाँ पे एंड होता है। सो थैंक यू सो मच। और मेरा चैनल डीमोनिटाइज कर दिया गया है, इससे पहले बहुत अच्छे खासे ऐड आ रहे थे मेरे चैनल पे, और बीच में मैंने 6 महीने से कुछ नहीं डाला। मैं भूल गया था, मैं बिज़ी था अपनी लाइफ में, अपने काम में बिज़ी था, तो मैंने कुछ कंटेंट नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। तो YouTube ने मेरा चैनल डीमोनेटाइज कर दिया, अब उस पर कोई ऐड देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप यू कैन से प्रीमियम देखोगे मेरे व्लॉग, कोई ऐड नहीं आएगा बीच में। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, सी यू सून।